चैप्टर नंबर 41। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि डेविड ने, आपको याद होगा कि एक लेटर लिखा था डोरा की आंटियों को ताकि वो परमिशन मांग सके उनसे ही डोरा से मिलने के लिए। तो उनकी जो आंटियां हैं, डोरा की जो आंटियां हैं जिनका नाम मिस लेवेनिया और मिस क्लैरिसा है, वो दोनों डेविड को लेटर लिखते हैं कि डेविड आकर उनसे इस बारे में बात करें उनके घर पर। डेविड वहाँ जाता है और वो अपने साथ साथ टॉमी टेरल्स को भी ले जाता है ताकि एक मॉरल सपोर्ट उससे वहाँ मिले, कोई सपोर्ट करने के लिए उससे वहाँ हो। डेविड वहाँ जाता है और उन दोनों के बीच, मतलब उन सब के बीच में डिस्कशन होता है, उसकी आंटियों के, डोरा की आंटियों के बीच, डेविड के बीच और टॉमी टेरल्स के बीच। और डेविड और टॉमी टेरल्स यकीन दिलाते हैं कि डेविड सच में डोरा से बहुत ही प्यार करता है। इसके बाद वो दोनों ये बात मान लेती हैं, लेकिन वो डेविड को हिदायत दे देती हैं कि देखो, तुम हम दोनों से ये उम्मीद मत रखना कि हम तुम्हें डोरा से शादी करने या इंगेजमेंट करने की कोई परमिशन देंगे, लेकिन हम तुम्हें उससे मिलने का परमिशन देते हैं और तुम उससे एक हफ्ते में सिर्फ 2 बार मिल सकते हो। साथ ही साथ वो दोनों ये भी डेविड से कहती हैं कि देखो, हम दोनों ने तुम्हें परमिशन दे दिया है डोरा से मिलने का, लेकिन तुम्हें भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम डोरा से बिना हमारे परमिशन के कभी भी छुपाकर नहीं मिलोगे, कभी भी तुम दोनों एक दूसरे से सीक्रेटली नहीं मिलोगे। डेविड कहता है कि हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके बाद डेविड अपने घर पे आता है और अपनी आंटी मिस बेट्सी को बताता है ये सब, और वो काफ़ी खुश हो जाती हैं। इसके बाद डेविड एक लेटर लिखता है एग्नेस को, उसे थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि ये आइडिया एग्नेस ही का था कि डोरा की आंटियों को लेटर लिख के परमिशन मांगने का डोरा से मिलने के लिए। इसके बाद डेविड और डोरा एक दूसरे से मिलते हैं हर एक सप्ताह। और इसी बीच डोरा की जो आंटियां हैं, मिस लेवेनिया और मिस क्लैरिसा, वो डेविड से कहते हैं कि वो डेविड की आंटी मिस बेट्सी से भी मिलना चाहते हैं। तो इसके बाद उन सब का मिलना जुलना होता है और डेविड एक चीज़ नोटिस करता है कि जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, डेविड की आंटी हो या फिर डोरा की आंटियां हैं, वो सब डोरा को ना एक छोटी सी बच्ची की तरह ट्रीट करते हैं। डेविड को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और एक दिन वो डोरा से जाकर कहता है कि डोरा, तुम्हें लोगों को कहना चाहिए कि तुम्हें एक बड़ी लड़की की तरह ट्रीट करें, ना कि एकदम छोटी सी अबोध बालक की तरह। डोरा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो डेविड से कहती है कि डेविड, तुम अगर मुझसे सच में शादी करना चाहते हो तो तुम मुझे बदलना क्यों चाहते हो? मैं जैसी हूँ वैसे ही तुम क्यों नहीं मुझे एक्सेप्ट करते हो? डेविड कहता है कि देखो, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद डेविड इस बारे में वो कभी बात ही नहीं करता है और ऐसे ही उन दोनों का मिलना जुलना होता रहता है। तो डेविड एक बार क्या करता है ना, एक खाना बनाने का बुक वो ले जाता है और डोरा को कहता है कि तुम इसमें से कुछ भी बनाना सीख लो। डोरा वो बुक देखती है तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और उसके बाद डेविड जो है उसे समझाता है, उसको बताता है कि देखो, इस तरीके से करना है, और वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो बोलती है कि तुम ये, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, और वो रोने लगती है। डेविड कहता है कि देखो, अगर मुझे कभी भी कुछ खाना होगा, अगर मुझे कुछ भी खाने का मन होगा तो फिर तुम क्या करोगी? तो डोरा कहती है कि मैं जो है जो सर्वेंट होगा ना, उसको बोल दूँगी, वो खाना बनाकर तुम्हें दे देगा। डेविड सोचता है कि हाँ, डोरा सच में अभी भी बिल्कुल ही बच्ची है, यानी वो बड़ी हो गई है लेकिन दिमाग से अभी भी बच्ची ही है, वो कुछ भी समझना नहीं चाहती है। पर डेविड तब भी डोरा से बहुत ही प्यार करता है।